नमस्कार साथियों इस वीडियो में हम अलंकार पढ़ेंगे तो अलंकार पर जैसे कि आपको पता ही है कि कुछ वीडियोस हमारे आए हैं लेकिन अभी जो सुबह वाली क्लास है ये भी अलंकार के लिए समर्पित कर रहे हैं आशा करता हूं कि आपको आवाज़ सही से पहुंच रही होगी अलंकारों की जो संख्या हो गया प्रश्नों के माध्यम से जो पंद्रह प्रश्न होंगे कोई तथ्य नहीं होगा बीच में आशा करता हूँ कि आप लोग इन अलंकारों को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे जितने भी शब्द अलंकार हैं आपके पाठ्यक्रम में या फिर अर्थ अलंकार हैं उन सभी का अध्ययन आप लोग कर चुके हैं और अभी प्रैक्टिस की बारी आ चुकी है हालांकि इसमें हम सिर्फ पंद्रह ही प्रश्न आपके समक्ष रखेंगे और बहुत जल्द सौ प्रश्नों की माला इकट्ठे तो नहीं ला पाएंगे लेकिन अब थोड़ा थोड़ा करेंगे लेकिन कुछ दिन तक ये अलंकार का करेंगे भाई और भारतीय काव्यशास्त्र के अनुसार अलंकार के संदर्भ में क्या कुछ कहा गया है उनके विचार भी हम लेंगे तो करते हैं साथियों पहला प्रश्न है हमारे पास तीन वेर खाती थी वे तीन वेर खाती हैं पंक्ति में कौन सा अलंकार है अनुप्रास है यमक है स्लेश है या अनियोक्ति है यहाँ पर विकल्प आपके सामने आप देख सकते हैं सबसे पहला उत्तर प्रिया प्रजापति जी ने दिया है यमक अलंकार बताया जा रहा है बिल्कुल सही है साथियों तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती हैं ठीक है तो यहाँ पर जो तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती है तो अगर हम देखें तो जो बेर शब्द है उसकी आवृत्ति दो बार हुई है लेकिन जितनी बार उसका प्रयोग हुआ है उसका अर्थ भी अलग अलग प्रतीत हुआ है तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती है अर्थात एक बेर का अर्थ फल हो जाता है और जो दूसरा बेर है उसका अर्थ हो गया बारी यानी तीन बार टर्न आगे चलते हैं साथियों प्रश्न है दूर तक विस्तृत था हिमस्तब्ध उसी के हृदय समान तो कोशिश करें इसका उत्तर देने का दूर दूर तक विस्तृत था हम स्तब्ध उसी के हृदय के समान तो आपको इसका उत्तर क्या लगता है उपमा है रूपक है या सलेष है या यमक है उत्तर आप लोग दे रहे हैं जी ध्यान से इसका उत्तर दीजिए जी आपको प्रश्न पहले भी करवाए जा चुके हैं कितने साथी ऑनलाइन हैं और साथी ऑनलाइन तेरह हैं डेढ़ सौ अंक वाली क्लास इस रविवार लाने की कोशिश है लेकिन पता नहीं हो पाएगी जी नहीं थोड़ा व्यस्त भी हूँ लेकिन जल्द होगी बता देंगे आपको एक दिन पहला रूपक अलंकार आएगा साथियों याद रखना है देखिए समान लगा हुआ बाचक शब्द है जी तो फिर आपने यहाँ पर उपमे ढूंढना है जी उप में फिर कौन सा हुआ बताइए उपमे क्या होगा दूर दूर तक विस्तृत था कि दूर दूर तक कोई चीज़ बहुत विस्तृत है वही फैली हुई है हिमस्तब्द्द उसी के समान उसी के हृदय समान तो बताइए हिम शब्द बता रही है प्रिया जी यह बिल्कुल सही है उपमे जो है वो हिम शब्द होगा साथी ठीक है बहुत बढ़िया जी तो जो साथियों उपमान होगा वो हृदय होगा और आई थिंक ये पहले किसने बताया है यहाँ जी हाँ और प्रिया जी ने पहले ही बता दिया था पीछे कि हृदय जो है वो उपमान है ठीक है क्योंकि हृदय के साथ जो है वो समानता दिखाई जा रही है तुलना दिखाई जा रही है ठीक है बहुत बढ़िया आगे चलते हैं निम्न में से शब्द अलंकार का एक प्रकार आपने बताना है क्या होगा श्लेष है विभावना है उपमा है ये रूपक है तो बिल्कुल सोच समझ कर उत्तर दीजिए निम्न में से शब्द अलंकार का एक प्रकार बताना है क्या उत्तर होना चाहिए साथियों उत्तर दे रहे हैं आप लोग और यह बिल्कुल सही है ये शब्द अलंकार हालांकि इसको उभ्या अलंकार भी माना जाता है ठीक है अगर भा, अगर आप नेट की किताबों में देखोगे तो आपको जो उभय अलंकार यानी शब्द और अर्थ अलंकार दोनों में रख दिया जाता है इसको लेकिन मुख्यतः इसको शब्द अलंकार ही आपने मांग मानना है हालांकि आपके पाठ्यक्रम में इसको नहीं रखा गया है बाकी विभावना के बारे में हमने पिछले कल आपको करवाया भी था वो पी मैंने अपलोड कर दी है साथियों देख लीजिएगा ठीक है विभावना की जो हम बात करते हैं तो बिना कार्य के ही बिना कारण कोई कार्य की सिद्धि हो जाना विभावना है और इसका विपरीत जो अलंकार होता है वो विशेषोक्ति होता है जो पिछले कल बहुत अच्छे से आप लोगों ने समझा था ठीक है ओके विशेषोक्ति की स्पेलिंग ही में गलत लिख दिया चलो तो बहुत बढ़िया साथियों याद रखना है इसी तरह से मेहनत करते रहिए उपमा रूपक के बारे में तो बता चुके हैं आप सभी को अगला साथी प्रश्न देखिए दई दई क्यों करत है दई दई सो कबूली जी बिहारी जी की पंक्ति है इसमें आगत अलंकार यानी कौन सा अलंकार आया है आगत का अर्थ होता है आना ठीक है कौन सा अलंकार इसमें आपको देखने को मिल रहा है उत्तर देना है अपने साथी में दई दई क्यों करत है दई दई सो कबूली मानवीकरण है भ्रांति महान है श्लेष है या फिर यमक है उत्तर दिया जा रहा है देखिए साथियों दही दही है वो देवता देवता ठीक है वहाँ पर देवता 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 यानी ईश्वर होता है ना मुसीबत आती है कठिनाई आती है तो देवता देवता दूसरा दही दही का अर्थ जहाँ पर हम कहेंगे जी हाँ बिल्कुल यमक अलंकार है साथियों क्योंकि दही दही शब्द दो बार प्रयोग हुआ है तो देवता तो है पहले का दूसरा को हो जाता है कि दे दे ठीक है देना देना कहने का तात्पर्य बिहारी इसमें कह रहे हैं जी बिल्कुल बहुत सही प्रिय जी तो वो कह रहे हैं कि देवता देवता क्यों कर रहा है जो कुछ देवता ने दिया है ठीक है जो कुछ ईश्वर ने दिया है दई दई जो दो जो जो तुम्हें दिया है उसको ना क्यों देवता देवता कर रहा है तो यहाँ पर अलंकार हो गया यमक यहाँ पर पुनरुक्ति अलंकार भी होगा नहीं होगा क्या ठीक है पुनरुक्ति अलंकार भी होगा और साथ में अनुप्रास भी होगा ठीक है ये देख सकते हैं द तो एक से अधिक अलंकारों का प्रयोग हो सकता है अभी जो दूसरी ऊपर वाली पंक्ति थी वो नहा नहीं लेकर आया हूँ हालांकि इसमें दोहा छंद है और ये बिहारी की पंक्ति है साथियों पूछी जा सकती है परीक्षा में ठीक है तो हर चीज पढ़ के चलिए अगला प्रश्न है साथियों अर्थ अलंकार का एक भेद बताना है आपने यहाँ पर आपको अर्थ अलंकार का कौन सा भेद दिख रहा है उत्तर दीजिए क्लेश तो भी पड़ा कि यह एक शब्द अलंकार है यमक एक शब्द अलंकार है लाटानुप्रास शब्द अलंकार है लेकिन जब हम बात करते हैं विभावना जहाँ पर बिना कारण कार्य की सिद्धि हो रही हो वहाँ पर विभावना होता है लेकिन इसके विपरीत एक अलंकार हमने करवाया था आपको पिछले कल जिसमें कार्य जब सॉरी जिसमें कारण तो है लेकिन कार्य नहीं हो रहा है ना, वो पंक्ति आपको बताई थी तो इस तरह से ये याद करना साथ ही पूछा जा सकता है तो ऐसी प्रकार से महत्वपूर्ण है वो भी आपके सामने रखेंगे यहां उपमेय उपमान का रूप धारण कर लेता है वहां कौन सा अलंकार होगा यहाँ उपमेय उपमान का जी बिल्कुल जहाँ रूप धारण करने की बात हो उपमेय और उपमान में कोई भेद ना हो अभेद हो जाए अभेद का मतलब ये नहीं है कि दो भागों में अलग अलग नहीं कोई भेद ना हो ठीक है इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कोई भेद ना हो ठीक है अभेद हो कोई भेद ना हो और उपसर्ग लग गया तो मतलब कोई भेद नहीं है दोनों ने एक ही रूप धारण कर लिए तो रूपक अलंकार और दूसरी बड़ी बात कि वाचक शब्दों का लोप होगा यहाँ पर जैसे कि उत्प्रेक्षा में वाचक शब्द लगते हैं मानो जानो तनु मनु ठीक है इस तरह से लेकिन जब भी हम बात करते हैं अपने रूपक की तो रूपक अलंकार में क्या होता है वाचक शब्द लोप हो जाते हैं कोई वाचक शब्द इसमें नहीं होता है यूट्यूबर्स कुछ किताबें ये कहती हैं कि उपमेय और उपमान के बीच में हमेशा जोजक चिन्ह लगा होगा हमेशा नहीं लगा होगा कई मायने में लगा होगा ठीक है यह पंक्ति भी काफी बार पूछ चुके हैं पंक्ति है कि उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग इसमें आपको कौन सा अलंकार दिखाई दे रहा है श्लेष है अनुप्रास है संदेह है या रूपक है और एक से अधिक उपन्यास सॉरी एक से अधिक अलंकार भी पंक्ति में हो सकते हैं ठीक है एक से अधिक एक से अधिक अलंकार भी पंक्ति में हो सकते हैं साथियों रूपक बता रहे हैं जो तुलसीदास जी की पंक्ति है अयोध्या कांड से ठीक है और रूपक अलंकार है बहुत बढ़िया साथियों उधयगिरी मंच ठीक है उदयगिरी तो यहाँ पर पर्वत रूपी मंच की बात हो रही है रघुवर बाल पतंग रघुवर श्री रामचंद्र जी बाल पतंग यानी सूर्य ठीक है उन दोनों का रूप एक हो गया है जी अनुप्रास भी है बिल्कुल सही जी अरब चाहल जी सरब जी हैं जी आई थिंक इनका नाम और प्रिया प्रजापति जी बिल्कुल अनुप्रास भी हैं अनुप्रास कह सकते हैं बिल्कुल अनुप्रास कह सकते हैं बहुत बढ़िया है प्रिया जी तो यहाँ पर ऊ की आवृत्ति भी है ठीक है और स की भी है लेकिन एक एक बार है तो हम कह सकते हैं स की जहाँ पर शेखानुप्रास नहीं होगा जहाँ सिंपल हम कह सकते हैं अनुप्रास पहली पंक्ति में शेखानुप्रास कह सकते हैं तो तो कुल मिलाकर जहाँ रूपक और अनुप्रास दोनों ही लग रहे हैं अगर दूसरी पंक्ति देखें विकसे संत सरोज सब संत रूपी सरोज सरोज यानी कमल हर्षे लोचन ब्रिंग यानी जो लोचन है आंखें आँखें रूपी भंवरे जो हैं वो हर्ष कर रहे हैं इसके लिए और, और अर्थ बता देते हैं पंक्ति का तो जब श्री रामचंद्र जी मंच पर चढ़े और वो मंच था वो उदयगिरी पर्वत जैसा था ठीक है उदय गिरी पर्वत रूपी मंच पर चढ़े क्यों चढ़े थे क्योंकि उन्होंने धनुष तोड़ना था मंच पर इसलिए चढ़े थे भाई स्वयंबर में गए हुए हैं श्री रामचंद्र जी रघुवर बाल पतंग रघुवर बाल पतंग का अर्थ होता साथ ही श्री रामचंद्र सूर्य रूपी श्री रामचंद्र जी ठीक है बिक्स संत सरोज कहने का तात्पर्य है कि संत रूपी सरोज जो है बहुत ज्यादा उस वक्त आ, विकसित हुए यानी कहने का तात्पर्य प्रफुल्लित हुए खुश हुए और हर्षे लोचन भ्रिंग सबकी आंखें भंवरों के समान जो हैं प्रसन्नित थी हर्षित थी यही इसका अर्थ यहाँ पर रहेगा ओके okay? तो यहाँ पर रूपक अलंकार के साथ अनुप्रास अलंकार भी है आगे चलते हैं पंक्तियां आसान आ रही हैं अभी पानी गए न उभरे मोती मानुस चून तो यहाँ पर आपको कौन सा अलंकार दिखाई दे रहा है यह आपने चयन करना है श्लेष है रूपक है संधेह है या उपमा है क्या उत्तर आना चाहिए सभी को मालूम है कि रहमन पानी ना राखिए बिन पानी सब सुन पानी गए न उभरे मोती मानुस चुन ये पिछले दिनों भी बताया था तो ये पंक्ति तो रूढ़ हो गई एक प्रकार से श्लेष अलंकार के लिए ठीक है हालांकि इसके हमने भेद आगे करवाने थे लेकिन मुझे लगता है कि चलो भेदों के नाम बता देंगे क्योंकि इतना डीप तो पूछा नहीं जाएगा वक्रोक्ति आपके अलंकार में अलंकार जो भी जितने भी दे रखे हैं उसको डीप पढ़िए इसको रहने दीजिएगा सलेष को लेकिन फिर भी ये शब्द अलंकार है तो पता होना चाहिए पानी का अर्थ मोती के लिए आभा चमक के समान है और मानुष के लिए विनम्रता के समान है इज्जत प्रतिष्ठा के समान है और चून आटे के लिए ठीक है जी आगे आगे साथियों पंक्ति है हमारे पास हिम श्रृंगों को छोड़ रही दिनकर की किरणें क्षण क्षण इस पंक्ति में कौन सा अलंकार आपको दिख रहा है हालांकि आपको भ्रांतिमान और असंगति ये भी मैं कराने की सोच रहा था लेकिन चलो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है मास्टर कैडर की परीक्षा के अनुकूल तो आई थिंक ये रहने देते हैं फिलहाल मतलब दो अलंकार हैं इसमें सॉरी एक दो ही विकल्पों से आपने ये बताना है जी कि माफ़ी चाहूँगा बीच में एक कॉल आ गया है क्या ही बात है वे किस किस के पास नंबर जा रहा है हिम श्रृंगों को छोड़ रही दिनकर की किरणें क्षण क्षण जी हाँ साथी बताइए उत्तर देखिए साथी मैंने इसलिए कहा कि देखो भ्रांति मानो और संगति जी आपकी मास्टर कैडर में लगे अलंकार नहीं है इसके लिए जो नहीं करेंगे आपने सी और डी में बताना था उत्तर बता रहे हैं आप लोग डी बता रहे हैं ठीक है और ये बिल्कुल सही है रूपक अलंकार आएगा ठीक है तो हिम श्रृंगों को छोड़ रही है दिनकर की किरणें क्षण क्षण अगर हम देखें हिम हिम जानी पर्वत की चोटियाँ श्रृंग जानी सिंह तो हिम रूपी श्रृंग कहने का क्या तात्पर्य हुआ हिम रूपी श्रृंग और वो जो चोटियां हैं वो सिंगों के भांति लग रही हैं ठीक है हिम रूपी सिंग को छोड़ रही हैं दिनकर की किरणें क्षण क्षण ऐसा लगता है कि सूर्य की जो किरणें हैं वो क्षण क्षण पल 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 जो है छोड़ रही हैं यानी धूप जो है सूर्य की वो हिम रूपी सिंगों को छोड़ रही है यानी वो अभी छाया में जा रही हैं हिम की चोटियाँ रूपक अलंकार है और हिम जो है आपका वो उपमेय होगा ठीक है और श्रृंग जो है वो उपमान हो जाएगा जी ठीक है तो क्योंकि दोनों में जो क्या हुआ अभेद हो गया है कोई भेद नहीं है अभी ठीक है आगे चलते हैं उत्प्रेक्षा के कितने भेद होते हैं जो आपने बताना है तीन है चार है पाँच है छ है उत्प्रेक्षा के कितने भेद हैं ये पिछले दिनों आपको करवाया था जी बिल्कुल यशवी जी, जी पिछली जो पंक्ति आई है वह कामयानी से आई है ठीक है जय शंकर प्रसाद के महाकाव्य से तीन भेद हैं कौन कौन से हैं पिछले दिनों हमने किया था वस्तुत्प्रेक्षा हेतुत्प्रेक्षा हेतु लिख देता हूँ अकेला तीसरा बताइए कौन सा था भाई आप भी बताइए हेतुत्प्रेक्षा और जी बताइए साथियों हेतु हेतुत्प्रेक्षा हे और तीसरा नाम भूल गए भैया आप लोग जी फलोत्प्रेक्षा बहुत बढ़िया याद रखना है फलोत्प्रेक्षा ठीक है वास्तविक अवास्तविक ठीक है अवास्तविक फल को फल मान लेना पढ़ाया था ना आपको जी अवास्तविक फल को फल मान लेना यानी कोई चीज अप्रामाणिक है लेकिन उसी को ही वास्तव में मान लेना तो तीसरा है फलोत्प्रेक्षा है ना बहुत बढ़िया आगे चलते हैं हमारे पास अगला प्रश्न है कहती हुई जो उत्तरा के जल से भर गए हिमकणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नहीं पंक्ति में आपको कौन सा अलंकार दिखाई दे रहा है जयद्रथ बद जो कि मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा लिखा गया एक खंड काव्य है ठीक है तो उस खंड काव्य में आपको ये पंक्ति देखने को मिलती है उत्तरा कौन है तो उत्तरा बता देते हैं कि ये अभिमन्यु अभिमन्यु जो श्री कृष्ण सॉरी अर्जुन जी के पुत्र हैं उत्तरा उनकी पत्नी है ठीक है और जब हम बात करते हैं इस अलंकार इस पंक्ति में कौन सा अलंकार दिख रहा है तो आपको बता देते हैं कि उत्प्रेक्षा है क्योंकि मानो वाचक शब्द जो है लगा हुआ है जहाँ पर कहती हुई जो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए कणों से पूर्ण हो गए मानो प, कणों से पूर्ण हो गए मानो हो गए पंकज नए ठीक है तो क्या है कि जदरथ बद से जे साथियों एक पंक्ति है और क्या है जयद्रथ बद कौन है तो वो एक सिंधु प्रदेश का राजा था ठीक है महाभारत की कहानी सुनी होगी कौरवों की एक बहन है दुशाला उसके साथ विवाह हुआ था जयद्रथ का कौरवों की बहन दुशाला से और जे अपने माता पिता की बहुत लंबे समय के बाद हुई संतान थी और जयद्रथ को एक वरदान साथी मिला था कि कोई भी सामान्य व्यक्ति इसको मार नहीं पाएगा और जो भी इसको मारेगा उसका जो सिर है वो जमीन पर गिर जाएगा और हजारों टुकड़ों में बिखर जाएगा इस प्रकार से था भाई कोई सा, ऐसा कुछ तो अगले प्रश्न पर चलते हैं अमानव पर मानवीय जनित गुणों का आरोप किस अलंकार में होता है अमानव पर मानवीय जनित गुण का आरोप किस अलंकार में होता है यहाँ पर मानवीकरण अलंकार आएगा ठीक है अमानव अमानव वो जो मानव नहीं है कोई अमानव नहीं है तो वो प्रकृति है कोई निर्जीव वस्तु है जब इन पर मानवीय गुणों का आरोप कर दिया जाता है तो मानवीकरण अलंकार हो जाता है अगला प्रश्न है हमारे पास वाक्य में वास्तविक विरोध ना होने पर भी विरोध का आभास प्रतीत होने पर कौन सा अलंकार होता है इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है इसका उत्तर मैं बोलूँगा कि आप लोग आसानी से दे सकते हैं सी उत्तर बता रहे हैं साथी जी बिल्कुल सही है विरोधावास अलंकार इसमें आएगा आगे चलते हैं और ये पंक्ति भाई इसके बारे में पिछले दिनों एक करेक्शन करवाया था पटपीत पीत मानुहु तड़ित रुचि सूची नैमी जनक सुबर तो बताइए जी इसमें क्या लग रहा है आपको कौन सा अलंकार है रूपक है उपमा है उत्प्रेक्षा है या संधेह है जी बिल्कुल सही यहाँ पर उपमा अलंकार ही हम लोग कहेंगे ठीक है उत्प्रेक्षा इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि देखिए साथियों उपमा अलंकार है तो आप लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पर सा से सी सरस समान जातिवाचक शब्द जो है लगे होने चाहिए लेकिन जहाँ वो मनु लगा हुआ है तो उत्प्रेक्षा अलंकार होना चाहिए लेकिन नहीं साथ ही जहाँ पर पीले वस्त्रों पट पीत यानी पीले वस्त्रों की पीत यानी पीत यानी पीला पट यानी कपड़ा वस्त्र परिधान तो पीले वस्त्रों की जो आ, समानता है वो बिजली के समान बताई गई है तो इसलिए उपमा अलंकार ही यहाँ पर उचित रहेगा अगला प्रश्न फिर से आ गया लेकिन चलो इसमें कुछ और पूछ लेंगे हम भूले तो नहीं है रात ही पढ़ाया था आपको ये बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल मन सरोज बड़ी जाए घटत घटत फिर ना घटे बरु समूल कुमलाए बरु यानी तरु तो उत्तर क्या होना चाहिए जी हाँ और रूपक अलंकार होगा साथियों इसमें वो क्यों होगा पहले ही बताया है रूपक के अतिरिक्त कौन कौन सा अलंकार इसमें बताया गया था संपत्ति रूपी धन संपत्ति शैली यानी संपत्ति रूपी धन मन सरोज यानी मन रूपी सरोज मन रूपी कमल बढ़ता जाता है जैसे जैसे हमें संपत्ति का लालच मिलता जाता है संपत्ति रूपी धन जैसे जैसे हमारे पास आता जाता है मन रूपी सरोज भी बढ़ता जाता है लेकिन जब जही संपत्ति रूपी धन घटता जाता है लेकिन मन की इच्छाएं नहीं घटती हैं और जो तरु समूल कमिलाए अर्थात यहाँ पर तरु आना चाहती हूँ तो कहने का तात्पर्य है फिर क्या होता है कि जब संपत्ति रूपी धन जो है वो घटता जाता है तो मन रूपी सरोज फिर भी नहीं घटता है वो तो और बढ़ता जाता है तो इससे क्या होता है कि हमारा शरीर जो है वो कुमला जाता है वो उसी प्रकार है जैसे कि Uh, कोई पेड़ है उसकी जड़ों को पानी ना लगे तो वो कुमला जाता है सूख जाता है उसी प्रकार से जब हमारी मन की इच्छाओं के अनुरूप कोई कार्य नहीं हो रहा होता है तो हम भी सूखने शुरू हो जाते हैं ठीक है तो इस प्रकार से ये पंक्ति है और इसमें अनुप्रास अलंकार के साथ साथ पुनरुक्ति अलंकार भी हैं छंद में कही गई पंक्ति है दोहा छंद है तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी एक पहचान रहती है कि जो साम्पाद होंगे उसमें जो है गुरु लघु का एक प्रावधान है ठीक है और दूसरी बड़ी बात आप यह भी देखेंगे कि तेरह ग्यारह विषम पादों में तेरह और पाद में ग्यारह इसमें मात्राएं होती हैं और एक मात्रिक छंद है दोहा तो बहुत बढ़िया साथियों बहुत धन्यवाद आप सभी का बाकी हम आधुनिक काल पर प्रश्न लाएंगे बहुत जल्द आज चार साढ़े चार बजे तक क्लास हो जाएगी जिसमें हम प्रताप नारायण मिश्र पढ़ेंगे ठीक है प्रताप नारायण मिश्र और हो सकेगा तो आगे वाला कोई कवि पढ़ लीजिएगा प्रताप नारायण मिश्र के बाद आपके अंबिका दत्त व्यास आ जाते हैं जगमोहन सिंह भी आते हैं उनको भी थोड़ा देख दीजिएगा ठीक है क्योंकि इनके बारे में जो जो जानकारी इंपॉर्टेंस है साथियों वो मैं आपके सामने रखने वाला हूँ आज ठीक है क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी का कोई नुकसान हो एक एक अंक बहुत ज़रूरी है सुनीता जी कह रही हैं क्लास का कोई टाइम देखिए जो सरप्राइज़ टेस्ट वाली क्लास होती है उसका तो कोई भी हमने टाइम नहीं रखा हुआ है ना वो तो किसी भी वक्त साथियों आ सकती है कोई टाइम नहीं है लेकिन जो टाइम वाली क्लास है वो से चार से साढ़े चार बजे के बीच में हो जाती है है ना तो आप ध्यान रखें और दूसरी बड़ी बात है कि नौ बजे रात को अलंकार फिर से एक भयंकर भयंकर मतलब बहुत अच्छा टेस्ट करने का अभ्यास करेंगे नौ बजे वाली क्लास होगी साथियों अलंकार तो वही कोई छूटने नहीं दूंगा गारंटी मैं देता हूँ इस चीज़ की ठीक है और जहाँ तक साथी जी कहते हैं कि सर हमें विशेषण समझ में नहीं आ रहा है कैसे बनाएंगे आ, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि भाववाचक संज्ञा किससे बन जाती है वो मैं आपको एक पीडीएफ दूंगा ठीक है हैंड रिटन पी है वो उसमें बताया हुआ है कि कैसे कौन से शब्द बने हैं वो आप रटिए पढ़िए वाक्यों में उसका प्रयोग करिए आप आसानी से उसका प्रयोग करना सीख जाएंगे ठीक है उसका भी प्रैक्टिस टेस्ट लाएंगे हम बहुत जल्द तो आशा करता हूँ कि अलंकार के संबंध में जो जो जानकारी आप ले रहे हैं वो बहुत अच्छी है और समझ में आप लोगों को आ रहा होगा तो मिलते हैं साथियों धन्यवाद आप सभी का शुक्रिया